अब हम आपको समझा देते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है। ये आपको जनन स्वास्थ्य समझ में आ गया कि सिंपली क्या है कि जनन से रिलेटेड जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको आप बनाए रखिए, इससे आप बच जाइएगा। यानी कि इन सबों से आपको बचना है तो आपको जनन स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और गलती सलती नहीं करना होगा। मतलब ये जो टीनेजर वाला एज है ना, किशोरावस्था, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और मतलब विकर्षण और आकर्षण होता है, तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत कदम मत करियो, वरना चल जाइयो उधर जाके कुटा के आ जाइयो पहाड़ पर, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो याद रखना कि जनन से रिलेटेड, क्योंकि अब देखिए हकीकत है आप किसी, ये सब बीमारी ऐसा है आप देख करके किसी को नहीं पहचान सकते। बुखार लग जाता तो चेहरा लट कर रहता है, आप पहचान जाओगे, लेकिन ये सब बीमारी ऐसा है जिसको आप पहचान ही नहीं सकते हो। लेकिन आप गलती कर दी हो, किसी को बीमारी हो ले और आप उसके साथ रिलेशन बना लिए, तो आप में भी तो बीमारी हो जाएगी। ये सब बीमारी जो है ना बहुत खतरनाक है, और जब हो गया तो बताइए कि आपकी गलती की सजा आपको आने वाला रिंकी पिंकी वो भी भुगते भुगतेगा। तो इसीलिए आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और हम लोग को जो लास्ट में पढ़ना है कि आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जनसंख्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जनसंख्या। यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। तो देखिए, सुनो, आप उधर चलिए और उधर चलिए, आप जो चलिए उधर निकल के, निकाल के नहीं, उठ के ऐसे चल यहाँ। आप समझिए कि यहाँ देखिएगा ना, तो याद कीजिए कि जनसंख्या बढ़ता कैसे है। तो जनसंख्या कैसे बढ़ता आपको पता है कि जब अंडाणु शुक्राणु से टकरा जाता है, तो टकरा करके वो फिर क्या बनता है, जायगोट युग्मनज, और उसके बाद मतलब भ्रूण वगैरह बन करके और वो आपका एक छोटा सा शिशु बन जाता है। तो उसको रोकने का उपाय, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण, देखिए जनसंख्या नियंत्रण का साइंस में अगर देखिएगा तो सीधा सा अर्थ है कि आप शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोक दिया जाए, और उसको रोकने का बहुत सारा विधि है जिसमें हम लोग पांच विधि पढ़ने वाले हैं। पहला जो है वह प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि अंडाणु को शुक्राणु से रोक दिया जाता है मिलने से, यानी कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोक दिया जाता है, यानी कि इसमें मतलब संभोग नहीं किया जाता है, यानी कि रिलेशन नहीं बनाया जाता है प्राकृतिक रूप से, यानी कि अंडाणु अंडाणु को शुक्राणु से नहीं मिलने दिया जाता, शुक्राणु से नहीं मिलने दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज आप समझिए कि प्राकृतिक विधि में आप इसका अर्थ है नहीं कि आप उस किसी चीज को आप लगा करके रोक दीजिए, ठीक है, आप जनरली इसको नॉर्मली आप मतलब कि रिलेशन बनाइए ही नहीं, दो महीना चार महीना तो अपने आप क्या हो जाएगा, अंडाणु रिलेशन मतलब अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होता है, यांत्रिक विधि। देखिए सबसे ज्यादा अगर प्रचलित है आज के डेट में तो वो है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या होता है, इसके अंतर्गत यांत्रिक विधि में याद रखिएगा कंडोम आ जाएगा, कॉपर टी आ जाएगा, कॉपर टी आ जाएगा। अब देखिए कॉपर टी क्या है, कंडोम क्या है, तो कंडोम जो होता है ना वो आपको जो पुरुष होता है पुरुष के शिश्न पर लगा दिया जाता है, एक रबड़ का एक क्या होता है खोल होता है, यानी कि मान के चलिए पुरुष का शिश्न है तो इसके ऊपर में कवर चढ़ा दिया जाता है। तो यहां से जब संकलन के दौरान क्या होता है स्पर्म बाहर आता है, तो यह स्पर्म इसी बैग जैसा जो थैली होता है एकरे में स्पर्म क्या रह जाता है, अंदर पैक हो जाता है, और ये स्पर्म बाहर यानी कि महिलाओं के जो गर्भाशय होते हैं वहां प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये क्या होता है, कवर होता है जो पुरुषों के लिए यूज होता है, महिलाएं इसका यूज नहीं करती। तो ये आपका कंडोम है यांत्रिक विधि। कॉपर टी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, तो वो महिलाओं के लिए होता है। तो कॉपर टी किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए। कॉपर टी कहाँ यूज होता है आप समझिए कि देखिए आप इसके देखिए कंडोम और कॉपर टी में अंतर क्या आप समझे, कंडोम आप एक बार यूज कर लीजिएगा तो दोबारा आपका यूज करने के लिए क्या होता है लायक नहीं बचता है। कॉपर टी क्या होता है कि यदि एक बार आप कॉपर टी लगवा दिए तो उसको 3 से 4 महीना तक क्या होता है आराम से उसका यूज किया जाता है। जैसे कि होता है क्या है कि ये मान के चले कि महिलाओं का क्या है गर्भाशय है, और इस गर्भाशय का आप हिस्सा देखेगा तो क्या होता है योनि, तो इसके योनि में कॉपर का ट्यूब होता है, ठीक है, कॉपर का ट्यूब उसमें धागा लगा हुआ रहता है, और उस कॉपर के ट्यूब को इसके योनि में घुसेड़ दिया जाता है इस तरह से, ठीक है, और घुसेड़ करके और इसके धागा को बाहर निकाल करके यानी कि छोड़ दिया जाता है।
छोड़ दिया जाता है, तो जैसे ही स्पर्म इसमें अगर जाएगा तो याद रखिएगा कि कॉपर टी की वजह से क्या होता है, वो स्पर्म बाहर नहीं जा पाता है, इधर ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो हमारा यहाँ उद्देश्य क्या होता है जनसंख्या नियंत्रण में, कि किसी भी तरह से स्पर्म को अंडाणु से मिल जाता है उसको रोक दिया जाए। तो यहाँ पर कॉपर टी लगा करके भी क्या किया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है। तो बताइए तो कि ज्यादा सुरक्षित कौन है, कंडोम की कॉपर टी, तो दोनों सुरक्षित है। कॉपर टी महिलाओं के लिए हो गया और कंडोम किसके लिए हो गया, पुरुषों के लिए हो गया। कॉपर टी को आप ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडोम को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। तो ये वाला चीज हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा क्या होता है, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या होता है, गोली यूज किया जाता है। यानी कि अगर मानते चले कि आप इसे यूज नहीं किए, ठीक है, और आप गलती से क्या किए, रिलेशन बना लिए, और रिलेशन के दौरान आप क्या हो गए, प्रेग्नेंट हो गए। तो अगर आपका प्रेगनेंसी हो चुका है, यानी प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि डॉक्टर कुछ दवाइयां देती है और उस दवाई को आप यूज कर लीजिएगा, तो एक प्रेगनेंसी आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर आ जाता है। तो उसके द्वारा जो रोकथाम होता है उसे हम लोग रासायनिक विधि कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक विधि। मार्केट में बहुत सारा दवाइयां होती है, लेकिन याद रखिएगा कि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा दवा खाते हैं इसके वजह से, तो आपको शरीर का नुकसान हो सकता है, आपके शरीर का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये रासायनिक विधि आपका सुरक्षित विधि नहीं है। उसके बाद होता है सर्जिकल विधि। ये तो एकदम लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। सर्जिकल विधि में क्या होता है कि जो यहाँ पास आपको महिला में आप देखिएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिलिपियन ट्यूब, यानी कि अंडाणु हो जाएगा, तो इस फिलिपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। अब बताइए तो फिलिपियन ट्यूब को काट देंगे तो अंडाणु यहाँ से निकल करके यहाँ आएगा, नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो स्पर्म यहाँ जाएगा भी तो क्या होगा, कुछ होगा, एक वोल्टेज नहीं रहेगा तो मोटर चलबे नहीं करेगा, यानी कि यहाँ अंडाणु से मिलबे नहीं करेगा तो का निकलेगा, मतलब होगा नहीं होगा। तो यहाँ पास इसको काट दिया जाता है। तो याद रखिएगा सर्जिकल में ऑपरेशन, तो देखिएगा कि जिसका दो तीन बाल बच्चा हो जाता है तो जनरली क्या करवाता है, ऑपरेशन करवाता है। तो ऑपरेशन लाइफ टाइम के लिए, ऑपरेशन लाइफ टाइम के लिए। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होता है, यानी कि ऑपरेशन पुरुषों को भी होता है। पुरुष में क्या होता है कि देखिए कि इसका स्पर्म ए मान के शिश्न है, लेकर नीचे में टेस्टिस होता है, तो यहाँ टेस्टिस का नसले काट दिया जाता है और काट करके इसको बांध दिया जाता है। तो ये जब पुरुषों का नसबंदी होता है तो इसे पुरुष नसबंदी बोला जाता है, यानी कि वैस्केटोमी बोला जाता है। पुरुषों के नसबंदी को क्या बोला जाता है, वेस्केटोमी बोला जाता है, याद रखिएगा, वेस्केटोमी। और यही काम जब महिलाओं में होता है तो उसको स्त्री नसबंदी बोला जाता है, उसको महिला नसबंदी यानी स्त्री नसबंदी बोला जाता है, या तो फिर ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, जिसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। तो आपसे एक नंबर का सवाल पूछ सकता है, महिला नसबंदी को क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोमी, पुरुष नसबंदी को क्या बोला जाता है, वेस्केटोमी। तो याद रखिएगा कि ये क्या हो गया, आपका सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि याद कीजिए कि अगर एक बार हो गया तो क्या दोबारा हो सकता है, प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, मतलब रोग उत्पन्न हो, जैसे सही से अगर सर्जिकल नहीं किया कोई डॉक्टर तो यहाँ पास इन्फेक्शन का खतरा होता है और वो मतलब बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, यांत्रिक विधि होता है। आप कंडोम यूज कर लीजिए या तो फिर कॉपर टी यूज कर लीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं होता है। रासायनिक विधि, हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कॉपर टी आप बहुत ज्यादा दिन तक इसमें योनि में रख करके, मतलब गर्भाशय में अगर रखे हुए हैं, तो फिर वो भी आपके लिए खतरा हो सकता है, उसको फिर बाहर खींचने में दिक्कत होता है। धागा के समान होता है, इसका ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिया जाता है, वो बाहर आ जाएगा। और अगर इसको अंदर डालना है तो आराम से कॉपर में बहुत इजिली क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। और उसके बाद भी सामाजिक जागरूकता सबसे बढ़िया है। जैसे देखिए देहात में जनरली देखिएगा ना, तो तीन चार हर एक फैमिली में मिलेगा आपको, हर एक फैमिली कहने का मतलब कि एक अगर माता पिता है तो उसका तीन चार को बाल बच्चा रहेगा, तो तीन चार को रहेगा तो ये क्या होता है, जागरूक नहीं है। यानी कि आप किसी को समझाइए कि आप जितना कम हो सकता है बच्चों को जन्म दीजिए, और उन सारे लोगों को इसके बारे में बताइए कि अगर आप बार बार प्रेग्नेंट हो जा रहे हैं तो इसके बढ़िया है कि आप इसको यूज कीजिए, और नहीं तो फिर सर्जिकल विधि है ये, काट करके छोड़ दो, तो वहां से आपका फिर ये चीज हो सकता है। तो सामाजिक जागरूकता कहने का मतलब कि समाज में आप क्या कीजिए, जागरूक
मतलब समाज के लोगों को जागरूक कीजिए कि कम बच्चे खुशहाल परिवार होता है, यानी कि जितना कम बच्चा रहेगा उतना आप ज्यादा विकसित कीजिएगा, ना तो फिर वो देखो है ना, हम दो हमारे होने दो, मतलब एक दर्जन दो दर्जन होने दो, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो सामाजिक जागरूकता यानी कि हम दो हमारे दो, यानी कि हम दो कहने का मतलब कि हम और हमारी वाइफ, और दो कहने का मतलब कि एक लड़का एक लड़की या दोनों लड़का या दोनों लड़की, तो वो होता है सामाजिक जागरूकता। लेकिन अभी भी गांव में ये सब चीजें नहीं होता, शहर में आपको मिल जाएगा एक दो परिवार वाला मिल जाएगा, लेकिन गांव में शायद एक आध दो मिलेगा जिसके कि यहाँ दो ही गो बाल बच्चा है, तो ये आपका गड़बड़ है। गांव में तो चार गो नॉर्मल माना जाता है, चार गो है तो ठीक है, नहीं तो आठ गो दस गो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो गड़बड़ है। जब शाहजहां का पत्नी क्या बनाया था।